अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारे हिस्ट्री अफगान हिस्ट्री के बारे में है। फर्स्ट नाम अफगान पश्तून पश्तीन क्या है? पश्तून इस वर्ड की तरफ आते हुए फर्स्ट हमें ये समझना है कि ये क्यों डिफरेंट पीपल डिफरेंट किस्म के बोल रहे हैं। आज इस टॉपिक को, इस सलेशन को हम हल कर रहे हैं इसी टॉपिक में, अफगान पश्तून एंड पश्तीन। अफगान की तारीख की जो वर्ड्स है इसकी बैकग्राउंड की तरफ हम आते हैं। अफगान एविडेंस से ये साबित हो रहा है कि अफगान वर्ड सबसे पहले अफगानिस्तान में ये आटर हुआ, लोगों ने ये अपने या लफ्ज के नेशनलाइज कर लिया। वहाँ पे एक क्राइसिस आई, वो क्राइसिस एक गरीबी की शक्ल में भी हो सकता है, वो एक जंग की शक्ल में भी हो सकता है। कुछ ये कह रहे ये जंग की टाइम था, तो उन्होंने ये वर्ड आगा का वर्ड्स, फिर इससे अफगाना और अफगान बन गया। नाउ अभी हम आते हैं किस टाइप की पश्तून कौन है, पश्तून कौन है। पश्तून पश्तीन सेम है, वैसे पश्तो की जो रिटन फॉर्म है वो सेम है, लेकिन डायलेक्ट डिफरेंट है। डायलेक्ट दो है, तो दो डायलेक्ट, एक शीन और एक है। जो वर्ड आप कहना चाहते हो लेकिन आपने एक ने शीन पढ़ना होगा, दूसरे ने खे, तो इस वजह से पश्तून जिसमें शीन है और पख्तून जिसमें खे है, तो एक दो डायलेक्ट्स हो गए। अगर आप डिफरेंट एरिया जाते हैं उनकी जो पश्तून ट्राइब जाते हैं, तो हमने ये सुना होगा और हमें पता है कि हिस्ट्री जितने भी आप मिलते जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे। इस वजह से वहाँ पे लोग कुछ लोग पश्तीन और पश्तीन ये कहेंगे। अभी हम ईरानियन लिंग्विस्टिक की तरफ आ गए हैं कि ये पश्तून कहाँ से आए, पश्तून की हिस्ट्री क्या है। तो थ्री बेसी में अगर आप स्टडी करेंगे, थ्री बेसी में पश्तून था, तो ये पश्तून ये कह रहे कि हम 5000 से मुसलमान हैं, तो उसी टाइम में त्रिबेसी में भी होते हैं। अगर आप ईरान की कोई डायनेस्टी में जाएंगे तो उसी डायनेस्टी में भी कोई अलग औजार मौजूद है, इस वजह से ये प्रूफ होता है कि पुरानी ट्रेडिशन। तो इसी ट्रेडिशन की वजह से पश्तून ये कह रहे हैं कि हम, इसका एक एविडेंस ये है कि हम इतने साल हैं। पहले एविडेंस और जो एविडेंस है वो मैं स्टेप बाई स्टेप आपको लेकर आऊँगा। तो इसमें ये भी कह रहा है कि तुर्क जो है तो मठ है और कर्कोट है, ये भी मठ है। अगर उनके चेहरे तीनों को मौके देखेंगे तो वो बना देते थे स्पेशल एजुकेशन का हम कहते हैं। इसके साथ जो सोशल लाइफ है उनकी, उठने बैठने सारे तरीका बनाना जैसे हैं, उनकी बात करने का जैसे लैंग्वेज तो डिफरेंट है लेकिन बात करने का जो अब उनकी थोड़ा सा लीडरों के बारे में बात करेंगे। अगर लीडरों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले काशी अमानुल्लाह खान, जिन्होंने अफगानिस्तान को एक डिपेंडेंस स्टेट बनाया। और इसके साथ साथ अब भी हम महमूद गजनवी के बारे में, जो एक हिस्टोरिकली बहुत पॉपुलर है, इसके साथ वो मलाला यूसुफ़ज़ई जिन्होंने नोबेल इनाम हासिल किया। मलाला यूसुफ़ज़ई के साथ बाद हम क्रिकेट के बारे में आते हैं, शाहिद खान आफरीदी और अभी के जो टाइम करंट टाइम है शाहिद खान आफरीदी, इसके साथ साथ रिजवान एंड अदर, और उसी टाइम में जो वर्ल्ड कप था शाहिद खान आफरीदी के टाइम में उन्होंने जीता था, और पाकिस्तानी लीडर में इमरान खान है, और जो अच्छे और एक काबिल लीडर माना जाता है करंट टाइम के, अशरफ गनी जो एक टीचर भी है जिन्होंने बार मालिक में टीचिंग भी की है, काफ़ी एक्सपीरियंस है टीचिंग टीचिंग में, और इसके साथ और इकोनॉमिस्ट भी है, और इसके साथ साथ वो एक पॉलिसी मेकर है, अ ग्रेट पॉलिसी मेकर है। और अगर हम नेशनलिस्ट के बारे में बात करेंगे, बादशाह खान एक फ़कीर और एक गरीब मोमेंट का पानी था, और इसके साथ उन्होंने एनपी को लीडर भी था, और इसके साथ साथ अगर हम समद खान के बारे में बात करें, वो भी एक पश्तून लीडर था, खान शहीद अब्दुल समद खान। तो अभी इनकी लीडर जो वो फर्स्ट टाइम उन्होंने कुरान मजीद को उन्होंने पश्तों में ट्रांसलेट किया था। इसके साथ साथ जो इसी टाइम की जो अच्छे लीडर माना जाता था उस्मान खान काकड़, वो भी एक अच्छे लीडर था। पश्तून की जो तारीख है वो तो मैंने बहुत कम
आप लोगों को उनकी लेटर बताए हैं, बाकी जो उनकी अच्छे अच्छे लेटर्स हैं दुनिया में बहुत डिफरेंट एरियो में रहते हैं। तो ये कुछ हिस्ट्री था जो मैंने आप लोगों को बताया था। बाकी जो हिस्ट्री है वो मैं ले आऊँगा। ये थोड़ा सा जो ईरानियन पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने बात की, बाकी जो है जो हिस्ट्री है वो मैं सीरीज फॉर्म ले आऊँगा। ये हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, सेकंड सीरीज देखने के लिए वीडियो पे तशरीफ़ ले आए और इंशाल्लाह मैं वो अपलोड कर लूँगा।